हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेलकॉम गुरुजी चैनल पर। मेरा नाम है जगजीत, आप सबका दोस्त इस चैनल का होस्ट। दोस्तों, अगर आप एयरटेल के ग्राहक तो आपके लिए बड़ी खुशी की खबर आ रही है कि एयरटेल ने भी अब 5G नेटवर्क लॉन्च करने की तैयारी शुरू कर दी है। जी हाँ दोस्तों, एयरटेल सिस्को के साथ मिलकर देश में 5G नेटवर्क लेने की तैयारी में जुट गया है। दोस्तों, अभी आप अपने मोबाइल फ़ोन में 4G नेटवर्क यूज़ करते हो तो आपको एक अच्छी खासी इंटरनेट स्पीड मिलती है, लेकिन जब 5G लॉन्च होगा तब सोचिए आपको कितनी स्पीड मिलेगी, क्योंकि 5G इंटरनेट 4G से भी 10 गुना तेज़ी से चलेगा। तो आखिरकार क्या डील हुई है एयरटेल और सिस्को के बीच, और ये दोनों मिलकर कब तक 5G नेटवर्क लेकर आएंगे, जान गया गया इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो उसके। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, जब से जियो ने 2016 में भारतीय टेलीकॉम सेक्टर में एंट्री मारी है तब से लेकर अब तक टेलीकॉम सेक्टर में काफ़ी कुछ बदल चुका है, खासकर ग्राहकों की तेज इंटरनेट की मांग जो कि दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अगर अभी देखा जाए तो एयरटेल के पास लगभग 280 मिलियन सब्सक्राइबर हैं 4G और 2G दोनों को मिलाकर, और यह संख्या बढ़ने वाली है। तो ऐसे में एयरटेल को ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक फ्यूचर रेडी टेक्निक की जरूरत है जो कि 5G के द्वारा ही हो सकती है। अगर सिस्को की बात करें तो सिस्को एक IT और नेटवर्किंग कंपनी है जो कि इंटरनेट और कम्युनिकेशन से संबंधित जुड़ी सेवाएं प्रदान करती है। तो ऐसे में एयरटेल और सिस्को का साथ मिलकर 5G टेक्निक को विकसित करना ग्राहकों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि उन्हें एक फास्ट और स्टेबल 5G नेटवर्क यूज़ करने को मिलेगा। इस पार्टनरशिप के द्वारा भारत का सबसे बड़ा 5G नेटवर्क तैयार किया जाएगा, जिसमें कि 100G IP और ऑप्टिकल इंटीग्रेटेड नेटवर्क तकनीक को विकसित किया जाएगा। इस पार्टनरशिप की घोषणा करते हुए भारतीय एयरटेल के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर श्री रणदीप सेखों ने कहा कि सिस्को के साथ यह पार्टनरशिप बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस सहयोग के द्वारा एक सरल और उच्च कोटि का 5G नेटवर्क तैयार किया जाएगा जो कि ग्राहकों और बिजनेस एप्लीकेशंस की बढ़ती हुई तेज इंटरनेट स्पीड की मांग को पूरा करेगा। दोस्तों, एयरटेल के अलावा दूसरी बड़ी कंपनियां जैसे कि वोडाफोन आइडिया, जियो और यहां तक कि BSNL भी 5G तकनीक को विकसित करने में जुटे हुए हैं, और जल्दी ही हमें सच में 5G नेटवर्क देखने को भी मिल सकता है। सरकार के द्वारा भी इस साल 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी हो सकती है जिसमें ये सभी कंपनियां भाग लेंगी। दोस्तों, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टेलीकम्युनिकेशन मार्केट है। इस वक्त भारत में लगभग 1.17 बिलियन एक्टिव मोबाइल सब्सक्राइबर्स हैं, और एक अनुमान के अनुसार 2023 के एंड तक 67.2 मिलियन 5G कनेक्शंस जुड़ने की उम्मीद है। तो इस तरह दोस्तों, एक बार 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी हो जाए उसके बाद देश में 5G तकनीक आने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। मोबाइल कंपनीज ने तो देश में 5G स्मार्टफोन लॉन्च भी कर दिए हैं, जैसे कि IQ और Realme ने तो अभी कुछ दिन पहले ही अपने अपने 5G फ़ोन लॉन्च किए हैं। इसके अलावा कई 5G फ़ोन लॉन्च होने भी वाले हैं। खैर, अभी 5G टेक्निक को भारत में लॉन्च होने में कम से कम एक साल का वक्त और लगेगा, यानी कि साल 2021 के मध्य तक हमें 5G नेटवर्क यूज़ करने के लिए मिल सकता है। दोस्तों, आपका क्या कहना है एयरटेल और सिस्को की इस पार्टनरशिप के बारे में, मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों, अभी तक जो इन्फॉर्मेशन थी वो इसी प्रकार थी। अगर मुझे कोई और इन्फॉर्मेशन मिलेगी इसके बारे में तो मैं आपसे शेयर जरूर करूंगा। आशा करता हूं आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।